दोस्तों, बिना बैंक गए घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड बिल को आप आसान इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस दोस्तों पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, मोबाइल के माध्यम से भी आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी मिलने वाली है और भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं पूरा लाइव किस प्रकार से यहां पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड बिल को इजी ईएमआई में कन्वर्ट किया जाता है। आप सभी को आ जाना है अपने मोबाइल के या पीसी के गूगल ब्राउज़र में। यहाँ आने के बाद आपको सर्च करना है एसबीआई क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग। यह आप सर्च करेंगे तो आपको किस इस प्रकार का एक नेट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर, लॉगिन, रीसेट योर अकाउंट ऑनलाइन एसबीआई कार्ड। आपको इस पर क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड का नेट बैंकिंग ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से कार्ड पिन के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास यूज़र आईडी है तो आप उसके माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डिटेल के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर फिल करना है और आपका जो DOB है, जो एक्चुअल में आपने क्रेडिट कार्ड में जो DOB दिया। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना कार्ड नंबर और DOB फिल करना है और यहाँ जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP रिसीव होगा। कार्ड में जो आपका मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP रिसीव होगा। वह OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। OTP यहाँ फिल होने के बाद आपको लॉगिन वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको आई एक्सेप्ट दे पर क्लिक करना है और प्रोसीड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नेट बैंकिंग पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को किस प्रकार से EMI में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ का, पे इन EMI का। तो मेरा यहाँ पर जो करंट बिल है अभी 30,939.88 का है। मैं इसको यहाँ पर EMI में कन्वर्ट करके आपको लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इस प्रोसेस के माध्यम से आप भी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आपको पे इन EMI पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक नेक्स्ट पेज देखने को मिलेगा। केवल 3 इजी स्टेप में ही दोस्तों आप अपने बिल को यहां पर EMI में बदल पाएंगे। सबसे पहले आपको यहां पर अपना बिल अमाउंट यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, कितना आपका यहां पर ड्यू है। वह सेलेक्ट करने के बाद ऑटोफिल आपको यहां पर टोटल अमाउंट शो हो जाता है, एलिजिबल अमाउंट आपका यहां पर शो हो जाता है। उसके बाद आपको शो ऑफर पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सेकंड स्टेप पे आ जाना है, सेलेक्ट योर ऑफर पे। यहां आपको सबसे पहले अपना ऑफर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर इससे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर टेन्योर इन मंथ सेलेक्ट करना है कि कितने मंथ के लिए आप अपना यहाँ पर EMI बनाना चाहते हैं, वह आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आप 3, 6, 9, 12, 18, 24 और आगे यहाँ पर 36 महीने के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोफिल आपको दिखाई देगा कि आपका कितना EMI बनेगा और कितना प्रोसेसिंग फीस आपका यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर दोस्तों जो मेरा ब्याज दर लग रहा है वह यहाँ पर 16.25% लग रहा है। 12 महीने के लिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। प्रोसेसिंग फीस मेरा यहाँ पर 307 रुपये लगेगा। यहाँ पर दोस्तों मेरा जो करंट बिल ड्यू है वह 30,939.88 है और इसका EMI यहाँ पर जो बन रहा है वह यहाँ पर 30,705 है। यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको 3 स्टेप पे आ जाना है, वेरीफाई एंड कंफर्म योर बुकिंग। यहाँ आपको टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा कि कितने का आपका EMI बन रहा है, कितना अमाउंट का। तो मेरा यहाँ पर 30,705 का यहाँ पर EMI बनने वाला है। मैंने यहाँ पर 18 मंथ सेलेक्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 16.25 मेरा लग रहा है और EMI अमाउंट जो मेरा आएगा वह यहाँ पर 1933.64 पैसा यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग मंथ को कम या ज़्यादा
कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको आ जाना है, यहाँ आपको आई हर बाइक पर टिक करना है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ आपको दोस्तों एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है और 4 से 5 दिन के अंदर आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाता है। ध्यान में रहे दोस्तों, जिस दिन आपका यहाँ पर बिल ड्यू है उसका 7 या 8 दिन पहले आपको अपना ईएमआई कन्वर्ट करना है, अन्यथा आपका यहाँ पर ईएमआई कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दोस्तों आप भी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को अपना मन मुताबिक ईएमआई में बदल सकते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगामी ऐसी नई नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर कर लें।